नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मैंने एक छोटी बेबी की फ़्रॉक बनाई है, 6 महीने से 1 साल तक की। तो इसके ये सॉक्स बनाने रह गए थे, तो ये मैं सॉक्स बना के लाई हूँ अभी। तो मैं चलो दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाया। तो इसमें डाले हैं मैंने 50 फंदे डाले हैं, तो इसमें भी मैंने 50 फंदे डाल के रखे हुए हैं। तो इसकी मैं 7 धारी बनाऊँगी, ये 7 उल्टी धारी। देखो ये सिलाई का है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 उल्टी धारी में दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बना के लाती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ आगे। तो ये प्लेन है एकदम, दोनों तरफ से मैंने उल्टा उल्टा बनाया है इस तरीके से, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाना है। तो जब तक मेरी 7 गांठ ना आ जाए उल्टी धारी की, 7 गार्डर से पड़ जाएंगे, तो उसके बाद मैं फंदे घटाऊँगी, फिर मैं आगे बताऊँगी। तो पहले मैं ये 7 ऐसे बना लेती हूँ, 7 गार्डर बना लेती हूँ पहले इस तरीके से। तो फिर आगे मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे ये फ्रिल बनाई, फिर मैंने यहाँ से कितने फंदे घटाए, कितने रखे, तो ये मैं फिर बाद में बताऊंगी। तो पहले मैं 7 गांठ बना लेती हूँ इस तरीके की, उल्टी उल्टी गांठ दोनों तरफ से। तो आगे दिखाती हूँ फिर कि कैसे बनाया मैंने। तो मेरी ये हो गई हैं, ये मेरी 7 गांठ हो गई हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं यहाँ से 24 फंदे प्लेन बना के ले आई, सीधा सीधा बना के ले आई। अब मुझे क्या करना है, देखो कि यहाँ पे मैंने 2 फंदों का एक करना है। पहले मैंने 2 फंदों का एक इस तरीके से करना है, फिर मैंने इधर के 2 फंदों का फंदा पलटा के इस तरीके से करना है। ये 2 का 1 कर दिया, बस अब मुझे जब तक मेरे 6-6 फंदे ना घट जाए दोनों तरफ से, 12 फंदे घटाऊंगी मैं। अब उल्टी सिलाई में नहीं घटाऊंगी, बाकी सीधी सिलाई में मैं हर सीधी सिलाई में 2 का 1 2 का 1 यहाँ पे 2 जगह पे करते हुए जाऊंगी, तो मेरे 6 फंदे इधर के घट जाएंगे, 6 फंदे मेरे इधर के घट जाएंगे। मैं इतना घटा के पहले, फिर उसके बाद मैं जाली डालूंगी यहाँ पे, फिर मैं आगे बताऊंगी। तो पहले मैं ये 6-6 फंदे ऐसे दोनों तरफ से बना के लाऊंगी। अब मुझे सीधा बनाना है, सीधी साइड से सीधा बनाना है, उल्टी साइड से उल्टा बनाना है। अब बॉर्डर मेरा ये बन गया नीचे, बॉर्डर मतलब ये उल्टी उल्टी गांठ बन गई है, ये नीचे के हिस्से में आ जाएगा। तो अभी मैं पहले इतना बना लेती हूँ ये, फिर आगे दिखाऊंगी। उल्टी तरफ से उल्टा, सीधी तरफ से सीधा। अब सीधी सिलाई बुन के लिए आई मैं इधर। अब यहाँ पे फिर मुझे फंदे घटाने हैं, तो 2 का 1 कर दिया, फिर फंदे को उतार के पलट के पीछे साइड को, इधर का फंदा पीछे साइड से घटेगा, फिर 2 का 1 कर दिया, फिर अपना सब प्लेन बनाने हैं, फिर उल्टी सिलाई प्लेन, फिर सीधी सिलाई में। अब 2 बारी मेरा घट गया, तो मेरे 2-2 फंदे घट गए। अभी मुझे 4-4 फंदे और घटाने, तो मुझे 6-6 फंदे करने हैं यहाँ पे कम। तो इस तरीके का दिखेगा फिर ये, यहाँ पे फंदे घटा रखे हैं ये। तो पहले बना लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी आगे। अब मेरी ये 6-6 फंदे घट गए दोनों तरफ, 6 फंदे मेरे इधर घट गए, 6 फंदे मेरे इधर घट गए, दोनों तरफ मैंने 6-6 फंदे घटा लिए। अब मैं एक प्लेन सिलाई बना के ले जाऊंगी उल्टी साइड से। अब इधर से मैं बिल्कुल उल्टा ले जाऊंगी, अगली में मैं डोरी के लिए जाली डालूंगी सीधी सिलाई में। अब सीधी सिलाई है, 2 फंदे बना लिए, धागा आगे कर ली, जाली डाल ली, समझ लो तुम ये लगा लो। 2 फंदों का मैं 1 फंदा कर दूंगी, इसके बाद मैं 1 फंदा और बनाऊंगी सीधा, फिर धागा आगे करूंगी, फिर जो फंदा जाली से बढ़ रहा है वो फंदा यहाँ घट गया, फिर 1 फंदा सीधा बनाऊंगी, फिर धागा आगे करके पूरी लाइन में मैं इसी तरीके से ले जाऊंगी। 2 फंदों के बाद ये डोरी के लिए मैं जाली डाल रही हूँ,
कि बच्चे के लिए डोरी डालना ज़रूरी होता है, तो इस तरीके से जाली डलती है ऐसे, बस दो फंदे सीधे हो जाते हैं। एक फंदा तो ये हो जाता है जिसमें हम दो का एक करते हैं, एक फंदा हमें और बनाना होता है। फंदा घटाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। फंदे हमने बढ़ाने नहीं हैं, तो इसलिए जो फंदा बढ़ रहा है वही दो का एक करके घट जाता है साथ साथ। अब मैं इसमें छह सिलाई पूरी, एक सीधा एक उल्टा, मतलब एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी बना के ले जाऊंगी, तो छह सिलाई और बनाऊंगी पहले, फिर उसके बाद मैं ये वाइट वाला लगाऊंगी। ऊपर से फ्रिल सी लगा ली, थोड़ा सा बच्चे के पैर में अच्छा लगेगा। तो मैं आगे ज़रा पहले छह सिलाई बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। मैं उल्टी सिलाई उल्टी ले जानी है, सीधी सिलाई सीधी ले जानी है। जाली वाला फंदा गिराना नहीं है, वो भी बुनना है। अगर फंदा गिर गया तो जाली नहीं पड़ेगी और फंदा भी कम हो जाएगा। तो फंदे इतना ज़्यादा कम नहीं करने हैं हमें, जितने हैं हमने उतने ही रखने हैं। ये जाली वाला फंदा है, ये भी बनाना है ताकि हमारी जाली पड़े तो इसमें हम डोरी डाल सकें। अब मेरा ये पूरा हो गया, ये मैंने छह लाइन बना ली, तीन सिलाई सीधी तीन सिलाई उल्टी। अब मैंने धागा कट कर लिया, अब वाइट लगाऊंगी। अब ये मेरा फ्रिल बाहर की साइड को आएगा, तो इस साइड मेरा उल्टी साइड मेरा सीधा आएगा, इधर मेरा उल्टा आएगा, तो इसलिए मैं उल्टा बना के ले जाऊंगी। इसे पूरी सिलाई पहले एक उल्टी बनाऊंगी, फिर एक सीधी बनाऊंगी, फिर एक उल्टी बनाऊंगी, उसके बाद मैं जाली डालूंगी, ये जो मैंने फ्रिल के लिए बनाया। तो पहले मैं एक सिलाई उल्टी बना लेती हूँ, उल्टी साइड से मैं सीधा बनाऊंगी ताकि मेरी उल्टी गांठ इधर को आए, आगे साइड को आए, ये तो फिर पलट जाएगा, फ्रिल बन जाएगी फिर। अब ये मेरी उल्टी साइड है लेकिन मैं सीधा बनाऊंगी क्योंकि आगे को पलटाना है मुझे फ्रिल। फिर अभी मैं इधर से फिर सीधी साइड से एक सिलाई उल्टी लेके आऊंगी, उसके बाद फिर मैं यहाँ से जाली डालूंगी। अभी कितने हिस्से में डली है फिर मैं डालूंगी, फिर बताऊंगी आप लोगों को। अब मैं पहले छह फंदे बना लूंगी, अब जाली डालूंगी मैं फंदे बढ़ाने के लिए, फ्रिल बनाने के लिए। किनारे में मैंने पांच फंदे लिए क्योंकि मुझे इस किनारे में भी आएगा, बल्कि चार ही लूंगी। अब मैं इसमें जाली डालूंगी दो बारी, एक बारी जाली डाल दी फिर एक बारी डाल दी। एक फंदा ये हो गया मेरा, दो तीन चार पाँच छः, फिर धागा आगे करूंगी, फिर जाली डाल दी, फिर धागा आगे करूंगी, फिर जाली डाल दूंगी। यहाँ पे मैं घटाऊंगी नहीं क्योंकि यहाँ पे मुझे फ्रिल के लिए चाहिए, तो मैं बढ़ाऊंगी। तो मेरे तीन फंदे हो गए, चार पाँच छः, फिर धागा आगे कर लिया, जाली डाल दी, फंदा बढ़ गया, एक फंदा हो गया, दो तीन चार पाँच छः, फिर धागा आगे करके ऐसी मैं पूरी लाइन में दो जाली डालूंगी, एक सामने दो जाली डालूंगी, तब जाके मेरे ये फंदे बढ़ेंगे। तो ये जो मेरे फंदे बढ़ेंगे तो इससे मेरा ये घेर खुलेगा, तो ये फ्रिल टाइप का हो जाएगा। जब बच्चा पहनेगा तो इस तरीके से डोरी खींच लो, इलास्टिक लगा लो, तो ये ऐसे फ्रिल सी आ जाएगी ऊपर से, जब पैर में पहनेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पहले इसको कर लेती हूँ। अब इसकी मैंने जाली बनाई है, पाँच पाँच जाली बनाई है मैंने, एक दो तीन चार पाँच, पाँच जाली के बाद मैंने फंदे बंद कर दिए। फिर मैंने क्रोशे से ये किनारी बना ली, तो वो मैं बाद में बताऊंगी, पर पहले मैं ये बना लेती हूँ तो फिर दिखाऊंगी आगे। पांच जगह पे मेरी जाली पड़ी है, उल्टी सिलाई हमने उल्टी बनानी है, जाली वाला फंदा गिराना नहीं है, नहीं तो फिर हमारे फंदे नहीं बढ़ेंगे तो ऊपर ही फ्रिल टाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं पहले पांच बारी जाली बढ़ा लेती हूँ, एक बारी मेरी बढ़ गई है, चार बारी और बढ़ाऊंगी, उसके बाद दिखाऊंगी। फिर फ्रिल तैयार, सॉक्स तैयार छोटे बच्चे का। आपको बड़ा चाहिए होगा तो आप थोड़ा बड़ा बना लेना, मैंने 50 फंदे डाल के बनाए,
तो ये आराम से 1.5 से 2 साल के बच्चे का आराम से आ जाएगा, 1 से 1.5 साल के बच्चे तक का आ जाएगा। अब वो पैर के ऊपर बात है, बच्चे का पैर कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी ऊन तो खींचती भी है तो काफ़ी बड़ा है, ये इतना बड़ा है तो आराम से आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से बनाना, आपको कितने बड़े बच्चे का बनाना है। तो मैं पहले ये बना लेती हूँ, 4 जाली और बना लेती हूँ, फिर फंदे घटा दूँगी, फिर उसके बाद ये बनाऊँगी किनारी, जो मैंने यहाँ से एक बारी किनारी यहाँ भी बनाई है तो यहाँ भी बनाई है, ताकि फोल्ड नीचे को रहे, ऊपर को ना चढ़े फ्रिल, और उसके बाद डोरी बना दूँगी। तो पहले बना लेती हूँ फिर दिखाऊँगी आगे। तो मेरा ये इतना बन गया, देखो ये 5 जाली पड़ी है मेरी, 5 सामने जाली पड़ी है, लेकिन ये 10 जाली बनी है, 10 जगह पे मेरे फंदे उठे हैं, बड़े हैं। जाली तो एक होती है, एक जाली इधर है एक इधर है, तो एक फंदे पे 2 जाली पड़ी हैं, तो 5 जगह पे पड़ी हैं, तो 5 ही जगह पे इस पे भी थी। अब मैं ये मेरी आखिरी जाली जा रही है, अब मैं अगली एक उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर फंदे बंद कर दूंगी, फिर करोशिया से बताऊंगी कि मैंने किनारी कैसे बनाई, सिल दूंगी। सॉरी, पहले फंदा बुनना है तब जाली डालनी है। जो भी हमारे बड़े हुए फंदे होते हैं वो बीच में आएंगे, जाली के ऊपर हमारी जाली डलेगी इस तरीके से। पहले जाली पड़ी, फिर ये जाली का फंदा बढ़ गया, तो इस तरीके से ये जाली बढ़ती हैं और ये फंदे बीच में आ जाते हैं। तो आपको और बड़ा चाहिए होगा तो आप और बड़ा बना सकते हैं, मैंने 5 जाली वाला ही बनाया। तो अब मैं ये लाइन बना के एक उल्टी लाइन और बनाऊंगी, सीधी सिलाई में मैं फंदे बंद कर दूंगी, उसके बाद सिलाई कर दूंगी, तो जूती तैयार हो जाएगी। ज़रा वीडियो देखते देखते लाइक शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अभी मैंने फंदे बंद कर लिए, अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, देखो ये तो मेरी सीधी साइड है, और अब ये मेरी सीधी साइड होगी जो फ्रिल मैं नीचे को करूँगी। अभी मैं पहले यहाँ पे धागा कट नहीं करूँगी, क्रोशिया से पहले ज्वाइंट कर लूँगी, सिलाई मैं बाद में करूँगी। अब इस तरीके से मैं जो मैंने किनारी बना रखी है उल्टा क्रोशिया घुमा के ले जाऊँगी ऐसे, तो उससे किनारी थोड़ी मोटी सी हो जाती है तो थोड़ा सुंदर भी दिखती हैं। ऐसे क्रोशिया हम वैसे अक्सर हम इधर को लाते हैं क्रोशिया, लेकिन ये देखो ऐसे फंदा भी नहीं डाला है इसमें, ऐसे ऐसे बस इसका अंदाज करना पड़ता है कि हमें लूज बना हो टाइट बना हो। देखो ये मोटी मोटी सी किनारी आ गई, तो वैसे तो मैंने ये कई बार डाल रखा है अपने चैनल पर, एक बारी और बता रही हूँ, ऐसे ही मोटी किनारी आ जाएगी, देखो इसमें आ रखी है। यही सेम मैं यहाँ पे करूँगी, फिर यहाँ पे भी उल्टा ले जाऊँगी, ये उल्टे में ही आएगा कि यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी, सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक किनारी बना दूँगी ताकि ये मेरा ऊपर को ना आए। तो जैसे इसका आ रखा है देखो बिल्कुल फिट आया है ये। आप चाहो तो यहाँ से क्रोशे से और ऊँचा बनाना चाहो जुराब बच्चे का बूट तो और ऊंचा बना सकते हो, ये फ्रिल नीचे रह जाएगी। यहाँ से क्रोशिया से मैंने आइडिया बता देती हूँ आपको, मैं बना नहीं रही हूँ लेकिन मुझे आता है तो मैं आपको ये आइडिया बता रही हूँ। यहाँ से क्रोशिया से उठा के गोल गोल थोड़ी सी जुराब और लंबी हो जाएगी आपकी, ये छोटे बच्चे की बूट, और फ्रिल नीचे हो जाएगा। तो ये मैंने आपको आइडिया बता दिया, अब इसी तरीके से करना आपने। बस बिना फंदे का लाना है, इस तरीके से घुमाना है, ये किनारी मोटी सी हो गई है। अब ये जो फंदे घटाए होते हैं तो ये पतला सा होता है, ये मुड़ जाता है, लेकिन मुड़ता तो ये भी है लेकिन फिर भी एक किनारी मोटी सी रह जाती है, तो नहीं मुड़ेगा फिर इतना नहीं मुड़ेगा। जब बच्चा पहनेगा जब धुलेगा तो थोड़ा ऊन खुलती है। तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं सिलाई करके बूट तैयार करके दिखाती हूँ आपको। अब इसके लिए डोरी बनाना भी बताऊंगी, फिर इस तरीके की जो मैंने डोरी इसमें डाली है। अब सॉक्स मेरा तैयार हो गया, यहाँ पे भी मैंने एक क्रोशिया की लाइन लगा ली क्योंकि ये मेरा उल्टी साइड आएगा ये बाहर को,
अब मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ तक सिल दिया, यहाँ से मैंने यहाँ धागा यहीं कट करके वाइट से सिल दिया था, अब मैं ये पिंक धागे से सिल रही हूँ। जुराब तो काफ़ी बड़ा है, तो बड़ा बच्चा भी पहन सकता है, ऐसे नहीं कि 6 महीने का या साल भर का ही, आराम से 2 साल के बच्चे आराम से, उसका पैर का हिसाब है तो मतलब थोड़ा सा कई बच्चों का पैर लंबा होता है, कईयों का ठीक ठीक होता है, तो 2 साल तक आराम से बच्चा पहन सकता है इस सॉक्स को। तो ऐसे इसकी सिलाई कर लेती हूँ, फिर डोरी बनाना बताती हूँ पहले आपको। तो इसको तो मैं अब ये सिली गया मेरा, अब मैं पहले डोरी बनाना बताती हूँ। सबसे पहले 11 चेन डालूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 चेन डाल के देखो, पहले मैं सिंगल बनाऊँगी बिना फंदे लिए हुए, 1 2 2 तो मैंने सिंगल बना लिए, अब 3 मैं ये इस तरीके के बनाऊंगी, 1 बना लिया फिर फंदा डाला, फिर 2 दूसरा बन गया, फिर 3 बन गया, फिर मैं फंदा लूँगी, अब मैं डबल करोशिया बनाऊंगी, तो 5 मेरे डबल करोशिया आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब 5 ही फिर मैं पहले इधर की किनारे की में भी 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, तो इसी छेद में इसी जाली में से मैं पहले एक बारी बना लिया, 1 बन गया, 2 पहले 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी इसमें भी, 2 बन गए, 3 4 5 5 बन गया। अब मुझे सिंगल क्रोशिया ले जाना है, तो देखो फंदा डाल लिया, 3 का 1 कर दिया, फिर फंदा डाल दिया, फिर 3 का 1 कर दिया, फिर फंदा डाला है, फिर 3 का 1 कर दिया। अब बिना फंदे के मैं 2 बार बनाऊंगी, 1 2। अब मैं इसमें ये पत्ती बन रही है मेरी, अब मैं इसको सिंगल ले आऊँगी इधर से, सिर्फ इस तरीके से बना के, क्योंकि मुझे यहाँ से चेन बनानी है ऊपर, ऐसे ऐसे इसकी किनारी बुन के, कोई फंदा नहीं डालना है, एक ही बारी में दोनों का 1 बना देना है, जितने हैं सब 5 डबल क्रोशिया हैं, 3 सिंगल क्रोशिया हैं, 3 छोटा क्रोशिया हैं, 2 छोटा क्रोशिया हैं, तो सारे फंदे मैंने बना लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, देखो इस तरीके से ये, अब 1 2 3, अब मैं इसी में से एक बारी फिर लूँगी, देखो इस तरीके से मैं इसकी डोरी बना रही हूँ, फिर 1 2 3 फिर फंदा लिया, फिर इन 2 के बीच में से डाला क्रोशिया, फिर ऐसे बनाया, फिर 1 2 3 फिर बीच में से क्रोशिया डाला, फिर एक बारी लिया, फिर ये डबल क्रोशिया बना के इस तरीके से ये चेन सी बन जाएगी, 1 2 3 डबल क्रोशिया बना के। तो मैं ये पहले इसके हिसाब से बना लूँगी, तो ये मेरे बनी होंगी कम से कम 24-25, मैं एक बारी गिन लेती हूँ, तो इतनी बड़ी चेन बना के। फिर मैंने दूसरे कोने के लिए ये बना रखा, अलग सा पत्ता बना रखा, तो इसे मैं सुई में धागा डालूंगी, और इसके जैसे मैंने इसमें दूसरा कोने में ये जोड़ दिया, ये वाला पत्ता जोड़ दिया, तो ऐसी मैं इसमें भी जोड़ दूंगी। तो मैं पहले इसे बना लेती हूँ इसके बराबर, फिर मेरी सॉक्स तैयार हो गई है। तो मेरी इस तरीके से दोनों सॉक्स तैयार हो गई, देखो काफ़ी लूज हैं, काफ़ी बड़ी हैं, आप भी बना सकते हो ऐसे, थोड़े बच्चों पे अच्छा लगता है, ऊपर से फ्रिल डाल लो, इससे बड़ी भी डाल सकते हो, क्रोशिया से भी डाल सकते हो, तो मैंने सलाइयों से ही डाल दिया। तो दोनों मेरी तैयार हो गई हैं, ये डोरी भी डाल दिया,
लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।